ड्राइवर की जॉब मिल गई कि आपने भी करी थी, लाइन में कमाई है अच्छी, इन गाड़ियों से ज्यादा पेमेंट मिल जाता है। रोड की हालत मतलब अच्छी नहीं हो रही है, ऐसे हो रहा रोड, इंसान की कमर तोड़ देते थे 30-35 साल की उम्र में, धीरे से टच करेंगे तो स्पीड छोड़ देगी। आगे कम उम्र लग रही है तुम्हारी, क्या उम्र है रोहित भाई? BS4 ज्यादा अच्छी है, ऐसा क्यों दे भाई? 80 भी चल रहा है लेकिन ये लग नहीं रहा कि 80 मारुति कार चल। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। हमारे सामने भारत बेंज का बहुत खूबसूरत ट्रक, और ये रोहित भाई और हमारे देव भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनकी ड्राइविंग हम देखेंगे इसके अंदर। ये जो ट्रक है मैं आपको बता दूं, ये 49-28 ट्रक है, 6373 सीसी का इंजन आता है। इसमें भी टाटा जैसा सेम सिस्टम होता है, इसमें 280 HP की पावर है और 1100 NM का टॉर्क है। मतलब ये 49,000 kg पूरा इसका वेट आता है, इसलिए 49 लिखा हुआ, 280 HP की पावर है इसलिए 28 लिखा हुआ, 4928, और 1100 का इसका टॉर्क है मतलब। और ये 40 टन इसमें वजन वगैरह आ जाता है, 90 की मैक्स स्पीड रहती है। 22 टायर ये ट्रेलर है, आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22। अभी वो लिफ्ट कर रखा है शायद आपने, है ना? अच्छा, गाड़ी खाली रहती है जब ऊंचा रहता है, हाँ, लोडिंग रहती है जब चलता रहता है। और भाई ने देखो कितना प्यारा सजा के रख रखा है उसको, आप दिखाऊं पहले थोड़ा सा ट्रक दिखा दूं। ये देखो सबसे अच्छा तो गार्ड लग रहा है मुझे, एकदम खूखार सा गार्ड लगा हुआ है, ये भाई ने यहाँ पे बनवा के रखा है। ये देखेंगे आप तो, ये अंदर से दिखाऊंगा, अंदर से बहुत खूबसूरत है भाई का ट्रेलर। तो चलिए अब अंदर ही चलते हैं, बैठते हैं, मज़ा आएगा, चला के देखते हैं ना, ड्राइविंग देखते हैं और जो भी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए अपनी भाई से। हेलो भाई, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है अब, और ये देखो चील लगी हुई है, बहुत बेहतरीन सी है। आज आपको देव भाई की पूरी ड्राइविंग दिखाएंगे हम, 22 टायर अपने इस ट्रेलर की। कितने गियर आते हैं देव भाई इसमें? 10। टोटल 10 गियर, रिवर्स लो दोनों को मिला के। अभी लोड नहीं है, खाली है ये, है ना? कंपनी बताती है 90 तक जाता है बस ये, है ना? कितने टाइम में चलाना सीख लिया था आपने इसे? 6 महीने। बस 6 महीने में इतने बड़े ट्रेलर सीख गए आप? कितने टाइम से चला रहे हो भारत बेंज? 8 साल। भारत बेंज भी चलाए, टाटा वगैरह भी चलाए? टाटा जितना भी चलाई है। कौन सी अच्छी लगी आपको? भारत बेंज। अच्छा, ये BS4 है लेकिन अभी तक बेहतरीन चल रही है भाई, AC चालू है गाड़ी में। और देव भाई की गाड़ी देखो आप, बेहतरीन, कितनी मोहब्बत करते हैं गाड़ी को, कितना सजा के रख रखा है। और ये हमारे रोहित भाई, ये 6 का तोड़ है BS4। अच्छा, मतलब BS4 ज्यादा अच्छी है? ऐसा क्यों देव भाई? 280 का एवरेज है, मतलब 22 टायर ट्रेलर का 280 का तो बढ़िया माइलेज आ रहा है। मतलब ये टाटा का जो ट्रेलर आते हैं वो अच्छे रहते हैं कि ये ज्यादा अच्छे हैं? ये ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, कंफर्टेबल रहता है? हाँ, मतलब कंफर्ट के मामले में बहुत अच्छा है कंपनी के भी, ये वाला डिजिटल मीटर आता है भाई, देखो आप डिजिटल मीटर आता है, वो दिखा रहा है कितने भी चल रही है, 60 पे। जी तो अच्छा, हाँ ये बात है कि इसमें केबिन बहुत ज्यादा जंप नहीं कर रहा है इसका, टाटा में केबिन जंप ज्यादा करता होगा, ये चीज अच्छी है यार इसमें। वो लग नहीं रहा मतलब एकदम बंद है, तो ये अभी देखो आप 80 पे चल रहा है, ये आपको दिखाऊं, ये आपको चलाइए, 80 पे चल रहा है लेकिन ये लग नहीं रहा कि 80 पे चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है, उड़ता हुआ बिल्कुल दिखता है। मारुति कार चल रही है, आप भी सीख रहे हो चलाना? हाँ, थोड़ा सीख रहा।
देखो भाई, कंपनी में कब से जुड़े हुए हैं आप? तीन चार साल। अच्छा, इसी में 3-4 साल हो गए। हाँ, तो बिल्कुल जवान दिख रहे हो भाई। देखो भाई, ये ड्राइवर फील्ड में आने का मन कैसे कर गया आपका? वही है, बाकी में है जो है इसी में ही है। किसी में नौकरी के लिए धक्का खाओ। सही बात है। हाँ, इसमें यह है कि थोड़ा मन मर्जी वाला काम रहता है ड्राइवर भाई का। ट्वेल्थ क्लास करे हुए हैं आप? अच्छा, डायरेक्ट आपने और कोई काम नहीं देखा, डायरेक्ट ड्राइवर फील्ड में आ गए? अरे वाह यार, अच्छा खासा ब्रेकर था। उसके बाद भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि एकदम भयंकर कूद गई हो गाड़ी। ये है कि कंफर्ट के मामले में तो गाड़ी बड़ी जबरदस्त है यार। ब्लैक शीशे लगा रखे हैं। आप थोड़ा इधर आइए रोहित भाई। देखो आप, चील देखो आप। टाटा की गाड़ियों में वैसे ब्रेक नहीं आता जैसे इसमें आ जाता है। ये देखो, ऊपर भी भाई ने दिल भी लगा रखे। बेहतरीन बेहतरीन मोहब्बत करते हैं ट्रक से। साथ में जो चील भाई था, अभी ये भी चल के जा रहे हैं भाई। अगर अपना पैर भी दर्द करने लग जाए जी, स्पीड भी बन जाती। अच्छा, पैर तो चलती है? अभी चलती है, अपन ने एक स्पीड लगाया। हाँ, पैर हटा लो, चलती रहेगी। मतलब क्रूज कंट्रोल टाइप भी है, मतलब अपन पैर हटा देंगे एक्सीलेटर उतना, मतलब सेंसर से दब गया ऑटोमेटिक। कितनी चलती ब्रेक धीरे से टच करेंगे तो स्पीड छोड़ देगी। अच्छा, ड्राइवर की सुविधा अच्छी थी इसमें। रोहित भाई की तो भाई कम उम्र लग रही है। क्या उम्र है रोहित भाई? 19 साल के हैं रोहित भाई मात्र। रोहित भैया के बड़े भैया हैं देव भाई। आपकी उम्र में कंडक्टर किया करते, तो आपको डायरेक्ट ड्राइवर की जॉब मिल गई कि आपने भी करी थी? आपने भी करी थी? देखो, मेरे भैया ने सिखाया। अच्छा, आपके भैया ने सिखाया आपको, फिर भी 6 महीने आपको लग गए इसको सीखने में। तो अभी फिर क्या प्लान है खुद का ट्रक लेने का देव भाई? नहीं, हुआ तो होगा तजुर्बा। आपके हिसाब से क्या लगा आपको कि मतलब इस लाइन में कमाई है अच्छी? कमाई तो रेट अच्छा लगा तो कमाई तो। अच्छा, तो इसका जो गाड़ी का भाड़ा वाड़ा आप देखते हो, फिर वो अपने भैया देखते हैं? नॉलेज तो ले लिया होगा आपने, लेकिन कर करके क्या भाड़ा लगता, क्या रेट लगा। लेकिन देखो भाई, वो जो हाईवा वाली गाड़ी आती है ना, हाईवा हाईवा गाड़ियों में मेरे ख्याल से इन गाड़ियों से ज्यादा पेमेंट मिल जाता है। भाड़े के ऊपर रहता है ना, क्योंकि उसमें रोज के हिसाब से चलते हैं। मेरे ख्याल से 1500-2000 रोज का पेमेंट मिल जाता है उसमें, और इसमें हम लोग को वही पड़ता है 500-700 रुपये रोज। 1000-1200 बड़े ट्रेलरों में। लेकिन ये ट्रक मुझे बहुत बढ़िया लगा भाई, इसमें सुविधा बहुत होती है, मतलब कंफर्ट है इंसान को। मतलब गर्मी वर्मी भी लग रही है, बारिश हो कुछ भी, तो बंद करके एसी चालू कर लो तो बेहतरीन बैठे रहो। तो आप रोड की हालत मतलब अच्छी नहीं हो रही है, ऐसे हो रहा रोड खराब सा, लेकिन फिर भी गाड़ी में इतना मुझे महसूस नहीं हो रहा कि मैं कार जैसे लग रहा है, कि कार में जैसे धचके लगते ना अपने को, नॉर्मल उस तरीके का ही फील हो रहा है इसमें। हाँ, बाउंस करते रहते हैं। नहीं तो सही बात है, करना पड़ता उसमें। अच्छा, लाइट होगा मतलब, और सेंसर वाला सिस्टम भी अच्छा लगा मुझे। अभी तो काफी कंफर्ट ट्रक आते हैं भाई। पहले के ट्रक से बात करें तो पहले के ट्रक इंसान की कमर तोड़ देते थे 30-35 साल की उम्र में। अभी तो ये देखो आप, सीट भी कितनी कंफर्ट है। यहाँ सीट देखो भाई ने बेहतरीन सजा के रखा है अंदर से, एसी बेहतरीन लाइन। तो
वैसे कितने साल हो गए इसको देव भाई ट्रक को? 18 मॉडल है। मतलब 5 साल हो गए? 5 साल हुए। कोई ऐसी आवाज़ नहीं है अंदर से कुछ बजने बजने वाली अगर अपन बात करें तो? है ना, मतलब फिट एंड फिनिश की भी बात करो तो फिट एंड फिनिश भी बहुत अच्छी इसकी, ना ग्लास आवाज़ कर रहे हैं ना केबिन इतना आवाज़ कर रहा है इसका। इसको खरीदा था ना जी अलग। अच्छा हमारा सेट बनवाया ये अंदर से जो सीट वगैरह जो है? हाँ ये डबल सीट आती थी खाली पीछे आता था सोने का। टोटल बनवाया